नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो वीडियो पेट में कब्ज और गैस के बारे में है। दोस्तों अपने आटे में मिला लो बस एक चीज और आपकी पेट में गैस और कब्ज बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है, अपने आटे में एक चीज मिलानी है और आपके पेट से कब्ज और गैस का नामो निशान मिट जाएगा इस नुस्खे के प्रयोग से। इसमें आपको बाहर से कोई दवाई नहीं लेनी है, औषधि नहीं लेनी है, सिर्फ अपने आटे में हर रोज एक चीज मिलाकर उसका प्रयोग करना है और आपके पेट के कब्ज और गैस का नामो निशान मिट जाएगा इस प्रयोग से। दोस्तों पेट में कब्ज और गैस होना आजकल एक आम बात हो गई है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग पेट में कब्ज और गैस से परेशान है। और दोस्तों यह तो बताने की जरूरत नहीं है आपको कि पेट में कब्ज और गैस के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। दोस्तों इसके कारण से जो हम खाते हैं वो पूरा हजम नहीं हो पाता, इससे हमारे शरीर में वसा हो जाती है और हम मोटे हो जाते हैं, हमें मोटापे का शिकार होना पड़ता है और मोटापे के कारण भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा कब्ज से अगर हमारे पेट में कब्ज अधिक रहेगी तो हमारा लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा और हमें लीवर से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर मैं अकेले कब्ज से बात करूं तो कब्ज से हमारे शरीर में 100 से ज्यादा रोग पैदा हो जाते हैं और अगर कब्ज के साथ साथ पेट में गैस हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कब्ज होगी तो पेट में गैस भी जरूर होगी और अगर पेट में गैस भी बनती है तो आप समझ सकते हैं ये तो दोस्तों हमारी कहीं भी इज्जत भी खत्म कर सकती है। हम कहीं बैठे हैं और हमारे पेट से गैस तो अगला भी नाक चिढ़ाता है। आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की या बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए कहेंगे। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो पेट में गैस और कब्ज का बिल्कुल समाधान है। आपको अपने आटे में, इस आटे में जो आप रेगुलर प्रयोग करते हैं, जिससे आप रोटी बनाकर खाते हैं, उस आटे में सिर्फ आपको एक चीज मिलानी है और आप पेट में कब्ज की समस्या और पेट में गैस की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों ज्यों या जैन मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये आपको आपके नजदीकी करियाना स्टोर से भी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन का लिंक दे दूंगा, वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं ज्यों की बात करूं, आप में से सब लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। दोस्तों जौ के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे शरीर को, इस नुस्खे में इसका प्रयोग है। दोस्तों जौ के प्रयोग से अगर आप खाली जौ का सेवन करते हैं तो इससे आपका मोटापा खत्म होता है, यूरिन की समस्या खत्म होती है, पेट के बहुत सारे रोगों का नाश होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन खत्म होता है इस जौ के प्रयोग से, हमारा पाचन सही रहता है, इम्यून पावर बढ़ती है हमारे शरीर की इस जौ के प्रयोग से। इस जौ का पानी भी पी सकते हैं, उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देखिए या हमारे चैनल पर पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो है, अगली वीडियो में हम इसके बारे में आपको बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों आपको अपने आटे में इस जौ का आटा मिलाना है। ये जौ का आटा आपको किसी भी नजदीकी आपकी शॉप से आसानी से मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये है जौ का आटा जो हमने आपके लिए पहले ही बनाया है। दोस्तों इसको आपने, इस जौ के आटे को अपने इस आटे में जो आप रेगुलर आटा यूज करते हैं उसके अंदर मिलाना है और उस आटे की बनी हुई रोटियां आपको खानी है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके पेट से कब्ज और गैस का नामो निशान मिट जाएगा। अब बात करें कि हमें इसको मिलाना कैसे है। सबसे पहले तो जो आप आटा प्रयोग करें उसको आपको छानना नहीं है, छानेंगे तो उसके पौष्टिक तत्व बाहर निकल जाते हैं, आपको उसको बिना छाने ही प्रयोग करना है। अब आपको जो आप रेगुलर आटा यूज करते हैं, जैसे कि ये आटा हो गया, आपको इसके तीन हिस्से लेने हैं और एक हिस्सा आपके खाने के जो आप आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, उसमें एक हिस्सा इसका प्रयोग करना है, तीन हिस्से अपने इस आटे के प्रयोग करने हैं और उसके बाद आपको गूंद कर रोटी बनानी है उसकी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जो आटा खा रहे हैं, जो आप रोटी खा रहे हैं, उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है और उससे आपका पाचन सही होता है, जिससे कि आपके पेट में, अगर आपका पाचन सही होगा तो आपके पेट में कभी भी कब्ज और गैस नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि आपको इन दोनों को मिलाकर गूंदना कैसे है। दोस्तों अगर आप खाली गेहूं का आटा प्रयोग करते हैं तो आपको मिक्स आटा प्रयोग करना चाहिए, इसका मैं नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से इसको बाय कर सकते हैं अगर आप मिक्स आटा लेना चाहें। मिक्स आटा हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या है कि हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। उससे हमें जो हम रोटी खाते हैं उससे सभी पौष्टिक तत्व मिलते हैं, उससे हम डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। और डायबिटीज के रोगी को तो बिना छाने और मिक्स आटे का ही प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको कर दिखाते हैं कि कैसे आपको इस आटे को गूंदना है, कैसे इस आटे को मिक्स करना और कैसे फिर उसकी रोटी बनानी है। तो चलिए, तो दोस्तों ऐसे ये हमने परात ले ली है, अब हम इसमें तीन हिस्से इस आटे को मिलाते हैं। ये एक हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा, और ये हो गया अब तीसरा हिस्सा। हमने तीन हिस्से उस आटे के ले लिए हैं जो हम प्रयोग करते हैं। अब इसमें आपको एक हिस्सा जौ के आटे का मिलाना है, यानी ओट्स का मिलाना है। अभी हम ये एक हिस्सा ले रहे हैं, ये हमने एक हिस्सा इसको लिया, और अब इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये हम मिक्स कर रहे हैं, अब हम इसको पानी के साथ मिक्स करके गूंद लेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। तो दोस्तों ये हो गया है हमारा आटा रेडी। अब हमें इस आटे की रोटी बनाकर खानी है। अगर हम इस आटे की रोटी बनाकर खाते हैं तो हमें कभी भी पेट में गैस और कब्ज की समस्या नहीं होगी। तो चलिए इसकी रोटी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या रोटी आपके लिए पौष्टिक है। तो दोस्तों ये हमने बना दी है आपके लिए वो रोटी जिसका आपको सेवन करना है। दोस्तों आपको अपने घर में तीनों टाइम इस रोटी को बनाकर ऐसे ही बनाकर सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जिंदगी में, पूरी जिंदगी की गारंटी मैं लेता हूं कि पूरी जिंदगी में आपको कभी भी कब्ज और गैस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कब्ज और गैस से परेशान हैं तो इस रोटी का सेवन करें, या आपका कोई रिलेटिव जानकारी से परेशान है तो उसको बोलिए कि इस तरह से रोटी बनाए और अपने लिए फायदा उठाए, या उसको इस वीडियो को टैग जरूर कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक व शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है आप उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।